भव्य ने ग्रामीणों को दिलाया गुस्सा। बाहर निकलते उन्होंने इस फोन को तोड़ दिया। भव्य ने तोड़ा फोन, ग्रामीणों ने सिखाया सबक। भव्य की गलती पर माफी मांगते रहे कुलदीप। और हमने अपने 56 साल में कभी ऐसा हादसा मैं तो मेरे जीवन में देखा नहीं, और ये पहली बार हुआ, नहीं होना चाहिए। भाई इस बात की मैं पंचायत में बैठा हूँ, उस बात की माफी मांगते हैं, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई भी अपना तो बड़े अधिकार है आपका जी, और पंचायत में बैठ के और आइंदा ऐसा होगा। नाराज ग्रामीणों ने जमकर निकाली भड़ास। आप अपने वर्करों को भी समझा कर के हमारे किसान साथियों का अपमान न करें, और जो आज की बात ही आपने माफी मांग ली तो बात यही पर खत्म। समझा दूंगा और आपका मैं धन्यवादी हूँ कि आप इतना बड़ा दिल दिखाया, आपका मन से बाहर जाता। भव्य बिश्नोई ने आज ग्रामीणों का पारा हाई करवा दिया। एक छोटी सी गलती ने भव्य और कुलदीप बिश्नोई की आज जमकर किरकिरी करवा दी। पहले बहस हुई और फिर भव्य का पारा चढ़ा, और फिर ग्रामीणों ने भव्य पर फोन तोड़ने का आरोप लगा डाला। बस भव्य की इस गलती ने आग में घी का काम कर दिया, और फिर कुलदीप को भरी पंचायत में सबके सामने माफी मांगनी पड़ गई। कुलदीप बिश्नोई खुद गांव में हुई पंचायत में पहुंचे और अपनी और भव्य की तरफ से माफी मांगी। कुलदीप बिश्नोई ने पंचायत में जाकर कहा कि यादमपुर के सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार में किसी तरह का अहंकार नहीं होता। हमने अपने 56 साल में कभी ऐसा हादसा मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं, और ये पहली बार हुआ, नहीं होना चाहिए। गलती हमारी है और अब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये ठीक है, कोई गर्मिया हो जाए करके, आपका अधिकार है, आपने वोट देते हो हमारे को। मैं बीच में आया भी था कुछ साथी यहाँ से ना आपसे, तो मैं बात करने आया भी था इनसे, फिर वो कोई सुने नहीं, जंग लड़के हैं या भड़क जाते हैं। तो भाई इस बात की मैं पंचायत में बैठा हूँ, उस बात की माफी मांगते हैं आपसे, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई भी अपना तो बड़े अधिकार है आपका जी, कोई दिक्कत नहीं। और पंचायत में बैठ के, और आइंदा ऐसा होगा नहीं। आप हमारे परिवार के लोग, परिवार में कोई ईगो नहीं आया करती है। जहाँ तक किसानों की बात है, और लंबा संघर्ष मेरा भी किसान साथियों के लिए रहा, हमने भी लाठियाँ खाई चंडीगढ़ में, फिर हम चंडीगढ़ में भी गए किसानों का, जो हमारा भूमि है अधिकरण कर रहे थे पुरानी गवर्नमेंट, तो हम भी उसमें गए। फिर आपका जो दिल्ली बॉर्डर पे धरना रहा 2 साल में, भव्य वहाँ पे 6-7 बार गया, मैं भी 3 बार दोनों बॉर्डर पे गया। कार सेवा भव्य ने करी, मैंने कार सेवा नहीं भव्य ने करी थी, मैं खुद गया। फिर चिकन वाश टोल पे भी 2 साल लगातार हमारा टेंट रहा। जब मेरे खर्चे में कोई आवेदन, हम तो आपके बीच के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। अब परिवार में मन मुटाव थोड़ा मोटा हो जाया करे, कोई बात नहीं। देखो जी, एक आपके कार्यकर्ता ने भी समझाओ, आप श्री में उटिंगबाजी नहीं करे, बिश्नोई समाज से भी हमारा तालमेल बढ़िया रहे। एक जी आपके वर्कर चौधरी वाले गांव से कुलदीप सरपंच और प्रदीप मंजू, उन्होंने गांव में बिल्कुल बेउद्दापन किया है, और हम गांव के लड़कों आप अपने वर्करों को भी समझा कर रखिये, हमारे किसान साथियों का अपमान न करे, और जो आज की बात ही आपने माफी मांग ली तो बात यही पर खत्म है। और आपका मैं धन्यवादी हूँ कि आप इतना बड़ा दिल दिखाया, आपका मन से मार जाता। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 56 साल में पहली बार गलती हुई है, भव्य जवान खून है, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। वैसे जितना गुस्सा भव्य बिश्नोई ने ग्रामीणों को दिखाया, उतनी ही विनम्रता के साथ कुलदीप ग्रामीणों से भरी पंचायत में माफी मांगते नजर आए। वैसे आदमपुर के गांव कुतियावाली का मामला DC प्रदीप दहिया तक पहुँच गया है। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SP से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, और कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मंडी आदमपुर से हरभगवान भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।